दोस्तों, अगर आपका शरीर दुबला पतला है, कमजोर है, कुछ भी खाते हो तो आपके शरीर में ठीक से लगता नहीं है, आपके गाल पिचके हुए हैं, आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर है, उठते बैठते आपको चक्कर आने लगते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा उन चीज़ों का प्रयोग करके आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और आपके शरीर की जो कमजोरी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आपका शरीर बनने लगेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि वीडियो के अंत में आपको जो एक्सरसाइज बताऊँगा उनको आपको ज़रूर करना है और सही ढंग से करना है। देखिए दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप दुबले पतले हो, आपको थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, आपका स्टेमिना अच्छा नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी है, आपके शरीर में आयरन्स की कमी है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो दोस्त, जब इन चीज़ों की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे शरीर को थकान ज़्यादा महसूस होती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमारे शरीर में हमेशा आलस भरा रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर में आयरन की, प्रोटीन की और विटामिन की मात्रा बढ़ानी है। आप कौन कौन सी चीज़ें खा के आयरन बढ़ा सकते हो? नंबर एक, चुकंदर। चुकंदर शरीर में आयरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। चुकंदर में आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, जिस कारण यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सर्दियों में हर रोज चुकंदर का सलाद खाना चाहिए, क्योंकि इसके फाइबर्स पेट को साफ रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं, जो आपका पाचन तंत्र अच्छा बनाता है। नंबर दो, काबुली चना, जिसे सफ़ेद चना भी बोलते हैं, उसको अगर आप लोग भिगोकर खाते हो तो आप लोगों के शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, और अगर आयरन की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर कभी भी दुबला पतला नहीं होगा, आपको थकान और शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर खाएं। उसके साथ में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है विटामिन सी। अब देखो, विटामिन सी क्यों ज़रूरी होता है? विटामिन सी जो हम आयरन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमें मिलेगा टमाटर में और पालक में। दोस्त, पालक और टमाटर का सलाद आप रोज़ बनाकर खाते हो तो आपके शरीर को मजबूत, ताकतवर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है, जिसकी हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को हर रोज़ अपने शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका वजन 50 केजी है तो आपको रोज़ 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका वजन 60 केजी है तो आपको रोज़ 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। किन किन चीज़ों से आप प्रोटीन की कमी दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसे दाल और बीन्स, चने और राजमा, दूध, सूरजमुखी और कद्दू के बीज, पनीर, ओट्स, पीनट बटर, इन सभी चीज़ों से आप प्रोटीन की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली टिप की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्त, मैं आप लोगों को बताता था कि आप लोग एक्सरसाइज शाम को किया करो। शाम को एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी बूस्ट पे होती है, तो इसलिए हम एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक कर पाते और हमारी बॉडी भी जल्दी बनती है। लेकिन उसी में आपको एक चीज़ जोड़नी है कि आप लोग डेली सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट हल्की सी रनिंग ज़रूर करें। अगर आप लोग हल्की सी धूप में रनिंग करते हो तो और अच्छी बात है, साथ ही में आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो दोस्त, ये बहुत ज़रूरी टिप है, सुबह आपको रनिंग करनी है कम से कम 30 मिनट। रोज़ 30 मिनट रनिंग करने से क्या होता है, तो इस टॉपिक पे मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी टिप के बारे में बात करते हैं, तो जो है एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये जानते हैं। नंबर एक, कंपाउंड हमें कंपाउंड मूवमेंट करनी चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हमें एक साथ एक से कई ज़्यादा मसल्स को ट्रेन कर सकें। तो सबसे अच्छी जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो है हनुमान दंड। देखिए, हनुमान दंड लगाने से आपके कंधे, चेस्ट, लेग, पेट सभी मूवमेंट करते हैं। जब आप हनुमान दंड लगाते हैं, देखिए इस तरह से आपको हनुमान दंड लगाना है। आप इस दंड को अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं।
इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने घर पर ही लगा सकते हैं। हनुमान दंड के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसमें आपको ये करना होगा, दो रस्सियों के सहारे से आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है फिर धीरे नीचे लाना है। इस तरह से आपको 25 से 30 बार रोज करना है। उसके बाद आपको उठक बैठक करनी है कम से कम 30 से 40 बार। ये सभी एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत बनाएगी। आप अपने शरीर में कभी भी थकान महसूस नहीं करेंगे। आपके शरीर की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। और जो मैंने आपको डाइट बताई है वो जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।